ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। उठने वाली हर आवाज को ऐसे ही खामोश किया जाता रहा है और ऐसे ही खामोश किया जाता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके दाता, अन्नदाता, जीवन दाता, दाता गुरु का जन्मदिन है और वो आपको आपकी वफादारी पर खुश होकर इनाम देना चाहते हैं।
और वो इनाम है कि इस बरस दाता गुरु ने पानी के बदले में फसल की वसूली में 50% को कम करके केवल 48% कर दिया है, यानी 2% की छूट दे दिया है आपको। अब तालियां तालियां। ये दुष्ट पापी दाता गुरु की मौत में ही तुम्हारी जिंदगी है मेरे साथियों। झूठ बोले नहीं आईना दोस्तों, ये करप्शन नहीं जानता दोस्तों। दाता गुरु अपनी सूरत देख ले, रख दो हर मोड़ पे आईना दोस्तों। ये मास्टर पागल हो गया है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा, धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे, फेंक दो इसे बाहर। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा सारा खानदान। साथियों, तुझने तुम्हें पागल बना रखा है, अपनी आने वाली नस्लों का सोचो, अपनी फसलों का सोचो। मैं कहता हूँ मत मानो इस दुष्ट की। इसने तुम्हारे देवता जैसे दाता को गाली दी है, जान से मार दो इसे, जान से मार दो इसे। अगर मारनी है तो मार डालो मुझे, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस दुष्ट को मार डालो, तभी इस धरती से पाप का अंत होगा। मार डालो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जरा सी शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इंसानों से कैसे सलूक किया जाता है। गेट आउट, गेट आउट। मास्टर जी, मैं दाता श्री के किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। गटर में गंगा जल, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता बेटे। रुक जाओ बहू, आज के दिन हम एक मनहूस विधवा की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, फिर तुम हमारे सामने क्यों आई? नहीं दादा, वो खिड़की हवा से खुल गई थी। नहीं, तुमने जानबूझकर खोली थी। नहीं दादा। गुस्ताख। दादा, ये क्या कर रहे हैं आप, भाभी पर हाथ उठा रहे हैं। खामोश, बड़ी वकालत करने आया है। भाभी, भाभी, ऐसा भी क्या डरना दाता श्री से, आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी? ये सब भागन का भाग्य है, आंसुओं के स्याही से लिखा हुआ हो तो क्या करे। अपना भाग्य इंसान अपने हाथों से खुद बनाता है। तोड़ दो ये जमाने की बंदिशें, क्या विधवा होना पाप है, जुर्म है? भाभी, बुआ। क्या बात है बेटे? बुआ, भाभी के आंसू देखकर आपका कलेजा नहीं जलता? बुआ तो खुद ही आंसुओं के समंदर में डूबी हुई है बेटा। बुआ, क्या विधवा होना पाप है? जब आदमी दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? आप दाता श्री को समझाते क्यों नहीं? डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछते हो बेटे। मगर बुआ, आप तो इस घर में सबसे बड़ी हैं। यही तो बदकिस्मती है बेटा कि मैं सबसे बड़ी होकर भी छोटी हूँ। लेकिन तू फिक्र मत कर, सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है। बड़ी बहू को इन झूठे उसूलों के पिंजरे से वो जरूर आजाद करेगा। मैं जीत गई, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए। मेरी राम प्यारी, मेरी प्यारी रे प्यारी, अरे तेरा बाप बीच में गुड़गुड़ गोते खाए, अपने बाप को मार दे, मेरा घर बसा दे। चलो मैं तुम सबको सैर कराती हूँ। कहाँ दीदी? चल 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 चल, मेरे बच्चों की माँ बन जा, ऊपर बैठ जाओ। चुप। दीदी, ये तांगा किसका है? समझ लो मेरा ही है। चलो, जय भोलेनाथ, चल मेरे घोड़े। ए तुलसी, अरे रुक जा रे, अरे मेरा टांगा लेके खा जा रही है।
चलो। मार गई दीदी, क्या ताकत चलाती हो? और क्या, मजा आ रहा है ना? हाँ। अरे सत्यानाश हो इस टांगे का, हम सबको गिरा दिया। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपना दर्द देखूं या तुम्हारा? चलो टांगे को ठीक कराते हैं। दीदी मुझे भी चोट लगी है। चोट लगेगी तो ही मजबूत हो जाओगे। चलो अभी चल। दीदी वो लोग फिर से आ गए। आने दो, देखते हैं क्या करते हैं। क्यों, जवानी का जोश ज्यादा है? वो तो है, ऐसो है। तुम क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। आगे मत बढ़ना वरना मैं। वरना तू क्या कर लेगी? कौन, तूने शंकर भैया को देखा है? शंकर भैया खेतों में है। खेतों में? कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। सब मस्त है अपनी मस्ती में, हम दिल वालों की बस्ती में। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। सब मस्त है अपनी मस्ती में, हम दिल वालों की बस्ती में। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। अपनी हर रात दिवाली है।
मेहनत की कमाई खाते हैं और गम की हंसी उड़ाते हैं, हम ओढ़ के चादर कर्मों की जहाँ जी आए सो जाते हैं। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। सब मस्त है अपनी मस्ती में, हम दिल वालों की बस्ती में। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। आज हमारी तुलसी बहन ने किसकी आंख फोड़ी, किसकी नाक तोड़ी है? बस यूं ही खेत में क्रिकेट खेल रही थी। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं आपका जेब खाली नहीं करवाऊंगी। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, क्या हुआ? तुलसी ने मेरी घोड़ी गिरिया। बेचारे की घोड़ी सोई नहीं होगी रात भर और क्या। नहीं शंकर भैया, तुलसी ने मेरी घोड़ी तोड़ दी, मेरा मतलब मेरा टांगा तोड़ दिया। क्यों रे तुलसी, आज तक तू अपनी क्रिकेट की बॉल से लोगों की टांगे तोड़ती थी, आज इसका टांगा तोड़ दिया तूने। भैया बॉल से टांगा टूटता है क्या? क्यों बे, बॉल से टांगा टूटता है क्या है? शंकर भैया बनारसी झूठ बोल रहा है, दरअसल टांगा मेरे हाथों से टूटा है। ये दोनों मिले, ये छोटे टांगा कुछ 500 रुपए लो और अपना टांगा ठीक करा लेना बस। ये बनारसी खिलाऊं तुझे बनारसी पानी, या फाड़ू तेरी बनारसी साड़ी, पट्टा चल। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शंकर भैया तुम्हें डांटते, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई डांटे। बापू, तू सुबह कहाँ गई थी? बापू वो क्या मेरी जेब में से आठ आने कम हो गए, बता नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो सांड है ना, मैं उसे दूध पिलाने गई थी। आपको पानी नहीं पिलाती, सांड को दूध पिलाती है? मैं सांड को निचोड़ डालूंगा बाद में। अच्छा तू चल तैयार हो जा, वो जाटावास मुछड़ तुझे देखने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं बापू, मुझे उसके बालों से बहुत डर लगता है। अरे डरना क्या है, शादी के बाद खुद ब खुद उसके सारे बाल गिर जाएंगे, वो गंजा हो जाएगा। चल और तू खाना मत बनाना, मेरे आटा ने घूम गए, आज सब भूखे रहेंगे। नमस्कार शंकर। जयराम जी की वजह साहब। जयराम जी की, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ शंकर, बहुत दिनों से लक्ष्मी की कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता लगी हुई है। मैं हवेली जा रहा हूँ, आप भी साथ चलिए, मिलाइएगा। चिंता मत कीजिए मेरे साहब, आते वक्त बड़ी बहू से मिलकर आऊंगा। जयराम जी, बड़ी बहू आज बाबा मिले थे आपके, बहुत चिंता कर रहे थे, कह रहे थे कि कई दिनों से कोई खैर खबर नहीं आई। उनसे कह देना मैं अच्छी हूं, सब सुख तो है यहां, किसी तरह की चिंता ना करें। शंकर जी,
जी वो बड़ी बहू के बाबा का संदेशा था। आइंदा कोई भी संदेशा हो हमें आके दिया करो। जी मुत्ता स्वामी लड़की देखने जा रहा है, अपनी माँ देखने जा रहा है, देख चल देख। क्या बिल्ली बता दी मुर्गा? अरे बिल्ली रास्ता काट गई। लड़की देखने आया है, अपनी माँ देखने आया है, चल बिल्ली रेखा पार कर, चल 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 चल। अरे चलना, अरे आज बिल्ली गई है कल तू। तू साला मेरे होने वाले दामाद को क्यों सता रहा है? चुट! मेरे जीते जी इस दुनिया में तुम्हारा और रिश्तेदार कैसे हो सकता है? तेरे जीते जी तेरे मरने के बाद तो नहीं ना, जा कुएं में जाके मर, सैर पी के मर, गाड़ी के नीचे आके मर, खड़े खड़े मर, अबे मर, चल चल। अरे मत जाना, मर जाएगा, बिल्ली गई है। चप्पल का नाचा करके जाएगा, मर जाएगा। चल ने कोई ने बिल्ली बना जी, मैं हजार बिल्ली का बिल्ला हूँ, तू चल मैं पीट डालूंगा तेरे को। अरे अरे बिल्ली, अरे मारा दीजिए, अरे बिल्ली बजा दी, अरे बिल्ली बिल्ली मार, अरे मारते जी, बिल्ली बजा दी, बिल्ली बजा दी, बिल्ली 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 बजा दी, बिल्ली कहाँ का मारा जी? नहीं नहीं ये मैं नहीं नहीं मैं हमारे स्वागत का तरीका है, हमारे घर में है ना दामाद का ऐसी स्वागत करके लाते, उससे नजर उतर जाती है, बिल्ली उतर जाती है, मैंने मारा थोड़ी तो तुम्हें दामाद है। चल बेटा चल चल चल। मैं क्या करता, मैं झूठे से मारा था इसको यार। मकल्ला जी आपका बेटी को तो बुलाओ जी। मैं मेरी बेटी को अभी बुलाता हूँ। अरे जान का टुकड़ा, आप देखे पागल हो जाएंगे। मेरी बेटी का नाम क्या है आपको मालूम सर? मालूम है, राम प्यारी। हाय बाबूजी। ये दूध पिलाए इसको। मुर्गा आगे बिल्ली बंदा जी, इनके पॉल भी लंदा जी, टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं जी, शुगन भी अच्छा नहीं है। ठीक कहता जी, बिल्ली बंदा जी, झूठ बोला बेटी, टाइम अच्छा आप ठीक कह रहे जी, टाइम बिल्कुल खराब चल रहा है। अरे नहीं नहीं ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। नहीं नहीं मैं तो बोलता हूं टाइम बिल्कुल खराब चल रहा है। अरे माता क्यों यार तुम्हें, मत मारो इसे। अरे इसको बोल अपना मुंह काला करे, इससे मेरा नुकसान क्या भी निकल जाए मेरे घर निकल जाऊंगा, लेकिन बैंड बाजा लेकर आऊंगा, हाथी पे सवार होकर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ फेरे लूंगा। मेरे बाप का राजा को लड्डू जो खा जाएगा। क्या कमी है उसमें बापू? अरे सर से पैर तक नंगा, क्या कमी है? न सर का पता न पैर का पता, घेरा के कपड़े, जेब में पैसा तक नहीं है। पैसा 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 पैसा, जेब की बात कर रहा है तू? अरे घर में गोलियां भरी हुई है मेरी पैसों की। भरी हुई? बोलो कितनी कीमत है तुम्हारी बेटी की? अच्छा हाँ? तू मेरी बेटी की कीमत चुकाएगा? चल मैं भी दरिया दिली दिखाता हूँ, दुनिया के लिए ज्यादा तेरे लिए कम, दुनिया के लिए 20,000 तेरे लिए सिर्फ 40,000। देखा, दुनिया के लिए 20,000 और मेरे लिए सिर्फ 40,000, इधर भी बेईमानी। इतना बड़ा बेईमान आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आईना दिखाऊं? अभी नजर आ रहा है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अरे 40,000 तो क्या, मैं 50,000 रुपया लेकर आऊंगा और तेरे मुंह पर मारूंगा, अगर नहीं मारा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। कौन सी नई बात है, तेरा बाप खुद उसके बाप की औलाद ही थी, तुम्हारे खानदान में कोई किसी की औलाद थी? अरे बनारसी बाप की औलाद थी, बाप से मुझे लाती। ए बुड्ढे इससे कुछ नहीं कहना। अबे ठहर ठहर। चल खेलना तो। हाँ खेल तो रहा। अरे जरा सुनो, जल्दी हो जल्दी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। मुन्ना अच्छा बेटा, शंकर भैया को देखा? अभी अभी घर गए हैं। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हारी तुलसी दीदी? वो भी घर में है, बुलाऊं? अरे अरे बात सुनो बात सुनो। अच्छा एक काम कर, ये ले चिट्ठी अपने दीदी को। अच्छा। देना, और ये 10 का नोट। ये 10 का नोट भी उनको दे। अबे उन्हें मत दे देना, ये तेरे लिए चॉकलेट वॉकलेट खा तू, समझ गए ना? अच्छा समझ गया, समझ गए। और उन्हें मत दे देना गलती से 10 का नोट। तुमसे मिलने के लिए दिल बेचैन है, तुम फौरन मंदिर के पास वाले गेस्ट हाउस में चली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा करण। दीदी जाओगी ना? भाग चल भाग यहां से।
ओ
बहुत दिन से दिल मिल जाने दे, पास मुझको आने दे, जो होता हो जाने दे, मस्ती में खो जाने दे, होने दे पूरे अरमान। खो गए हो? तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे ख्यालों में। ख्यालों में खोना छोड़ दो, जानते हो कितनी मुसीबत से घर से बहाना बनाकर आई हूँ। क्या करता, तुमसे मिलने का मन जो कर रहा था। मिल लिया ना, अब मैं जाऊँ? जाने के लिए आई हो? नहीं, साथ फेरे लेने आई हूँ। फेरे तो हम ले लेंगे, पहले। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं, शाम हो गई है, अब मुझे जाने दो। राधा, राधा, ये अचानक तुमने मुझे खत भेजकर बुलवाया, सब खैरियत तो है ना? भैया। ए पगली, क्या बात, क्या बात है पगली, क्या हुआ, क्या हुआ, बता तो सही। मैं लुट गई भैया, मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई, साफ साफ बता क्या बात है। अरे राधा, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। देख राधा, घबरा मत, सब कुछ मुझे साफ साफ बता दे, क्या हुआ, क्या बात, क्या बात है। भैया दाता गुरु के सामने इलेक्शन में खड़े हो गए थे, ये बात दाता को अच्छी नहीं लगी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इलेक्शन के लिए चुना, लेकिन मुझे इलेक्शन के लिए चुनकर आपने एक जंग खड़ी कर दी है, एक मैदान जंग खड़ी कर दी है, और वो जंग है अमीरों और गरीबों की, वो जंग है ठाकुर और गरीबों की, वो जंग है दाता गुरु और हम जैसे फकीरों की, और ये मेरा अटल विश्वास है कि हम ये जंग जीत के रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राम बलि करे, लगता है कि मास्टर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद ही पढ़ाई भूल गया है। ए भांजो, ए चलो तो तनी के लिए पढ़ा दें, हैं, आओ मेरे साथ। भैया क्या सोच रहे हो? अरे अरे पगली, सोचना क्या है, मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा, फिर मंत्री बनूंगा, फिर लोगों की भीड़ लग जाएगी, नोटों के ढेर लग जाएंगे, इतनी रिश्वत खाऊंगा, इतनी रिश्वत खाऊंगा कि मैं मालो माल लो माल हो जाऊंगा। वाह भैया वाह, अपना खाना दूसरों को खिलाते हो, तो रिश्वत क्या खाओगे? हूँ, मुझे बनाने की कोशिश मत करना। अरे पगली, तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? यही के खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ। क्या? यही कि सब रिश्वतखोर खरबूजे मेरे भैया को देखकर ईमानदार हो जाएंगे। हाँ। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन मेरी प्यारी बहन, ये काम जरा नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गुरुजी, हम आप ही की तो मुश्किल आसान करने आए हैं, राम बलि करे।
क्या गुरुजी, इलेक्शन की सब तैयारियां पूरी हो गई? कोई कमी रह गई हो तो हम। मास्टर, मैंने सारे गांव के बैलेट पेपर पर तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा दिया है। बस अब तो जीत तुम्हारी होगी। भैया, 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 मैं लुट गई, मैं लुट गई भैया, मैं बर्बाद हो गई भैया, मेरा क्या होगा भैया? भैया, भैया, भैया कुछ तो बोलो भैया। बोलो भैया, भैया कुछ तो बोलो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, कुछ तो बोलो। तालियों की आवाज सुनो, सुनो तालियों की आवाज। मैं इलेक्शन जीत कर दिल्ली पहुंच गया। सब पार्लियामेंट मेंबरों ने मुझे अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। आज आज 15 अगस्त है ना, आज मुझे लाल किले पे चढ़कर तिरंगा झंडा लहराना है। आज का दिन बड़ा महान है, 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 बड़ा महान है, बड़ा महान है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तू फिक्र मत कर राधा, उन दरिंदों को उनके किए हुए गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मास्टर जी कहाँ है? जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है, सहेली है। हाँ मास्टर जी। कौन? एसपी अरुण? मेरे बड़े मंत्री बनते ही आ गए अपनी तरक्की के लिए? मेरे यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बहक तो सारी दुनिया गई है, लेकिन दुख इस बात का है, इस बात का है कि मेरा अपना देश, मेरा भारत बहक गया है। चारों तरफ खून खराबा, जालसाजी, बेईमानी। जानते हो क्यों? क्यों मास्टर जी? क्योंकि जब राजा भया बोपारी तो प्रजा हुई भिखारी। अगर विश्वास नहीं ना तो देखो यहाँ के गरीब किसानों को, देखो उस बेईमान दाता गुरु को, बेईमान दाता गुरु को। आप चिंता मत करें मास्टर जी, उस दाता गुरु के काले कारनामों का तो पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। मास्टर ने दाता गुरु के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की जो गलती की है, उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। लेकिन गांव वालों, तुम लोग दाता गुरु के खिलाफ वोट डालने की सोचना भी मत। तुम लोगों के गांव में 3,640 वोट हैं, और ये सब के सब वोट दाता गुरु के हक में पड़ने चाहिए। इसी में तुम लोगों की भलाई है। ये जिसे तुम अपना भगवान समझते हो, ये भगवान नहीं, श्राप है तुम लोगों पर। हम अपने दाता गुरु के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। मेरे प्यारे भाइयों, अपने दिलो दिमाग से इस दाता का भ्रम निकाल दो,
और यकीन नहीं आता तो पूछो इस पाखंडी से कि मास्टर दीनानाथ शास्त्री के परिवार वालों के साथ क्या क्या अत्याचार करवाया इन्होंने। अपनी जबान को लगाम दो एसपी। जिस ऊंची आवाज से तुम बोल रहे हो वो आवाज ये गांव वाले हमेशा के लिए बंद कर देंगे। खामोश। अंधविश्वास की जो ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर पड़ी है बहुत जल्दी उतर जाएगी। आज तो मैं तुम्हारे इस बेटे को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इन्हीं गांव वालों के सामने हथकड़ी पहनाकर मैं तुम्हारा ऐसा ही सम्मान करूंगा। एसपी, किस जुर्म में तुम मुझे गिरफ्तार कर रहा है? जुर्म का फैसला अदालत में होगा। इस केस के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुमान सिंह वल्द रणवीर सिंह पर लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि ना तो इसके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। इसलिए अदालत गुमान सिंह वल्द रणवीर सिंह को बाइज्जत बरी करती है। नहीं जज साहब, ये नाइंसाफी है। मास्टर दीनानाथ की बहन के साथ हुए अत्याचार के साथ ये न्याय नहीं अन्याय है। जज साहब मेरी बात तो सुनिए। ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम भी हवालात में बंद कर दिए जाओगे। देख ली ठाकुर रणवीर सिंह की ताकत? कानून भी हमारा और फैसला भी हमारा। गोरी हकलाइया मैं लाता तुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल मा गोरी अपना बना ले मुझे बाल। अरे छोड़, मेरा बापू आ जाएगा। अरे तेरा बापू नहीं आ सकता, वो खेतों में गया लोटा लेकर, समझ गई ना? अरे वो अपना काम करने गया है, चल हम अपना काम कर लेते हैं, चिटक जा। देखो तो मजाक करता रहता है, कुछ करता वरता तो है नहीं। मेरा बापू मुझे कहीं और बेच डालेगा, तू गाना गाता रहेगा। कल मुझे कोई और देखने आने वाला है। और बनारसी, अगर मेरा कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ना जलेबी ना, मत रो। ना तेरा कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा, जो कुछ होगा तेरे बापू का होगा। मैं उसे जलेबी के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो जिंदगी और बाहरे नहीं निकल सकेगा। चल एक पप्पू दे दे। अरे बेशरम सब देख रहे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरी मदद करो, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। एक पप्पी लेने दो ना, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ चल एक पप्पी। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद कब मांकनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। हाँ। मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? तो मैं जाऊं। ये क्या कर रहे हो, कोई देखेगा ना? तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आके चले। कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? देखो मैं खानदानी कवारी लड़की हूँ, यू बिहेव विद मी। ये तो दार बंद कर दो। माँ क्या पहाड़ जैसी औरत है? तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम उसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता। ना जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है, जलेबा? तो मुझे उस जलेबी की
क्या जरूरत है? तुम्हें जलेबा हूँ, चले मुझे खा। मगन भाई, ओ मगन भाई। अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है, मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। श्राप? हाँ, पता, एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना, क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूँ फिर? मुझसे शादी? शादी मैं कैसे करूँ? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम बैठा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तुम मर जाएगा। या? तुम ये मनहूस खबर लेकर आए हो कि इलेक्शन कैंसिल हो गए? अब जो अपने कानों से सुना है जीजा गुरु, वही तो खबर दे रहे हैं। राम भली करे, ये सब किया धरा उस नए एसपी का है। समझ गए हम दादा गुरु, हम सब समझ गए कि उस नए एसपी का राम नाम सत्य है। जादो, एक मामूली पुलिस वाले से मार खा के आ गए तुम। अरे अब जाने भी दीजिए, बस कीजिए जीजा गुरु, माफ कर दीजिए इन्हें। दरअसल हुआ ये था कि आपका वफादार शंकर बीच में आ गया, वरना उस अफसर की आज राम नाम सत हो ही गई थी। वैसे जीजा गुरु, आपको इलेक्शन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठाकुर साहब, इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुलतवी हुए हैं। ये तो अच्छा ही हुआ, अब तो आपके सामने खड़ा होने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, चारों तरफ बस जीजा गुरु की जय जयकार होगी। पांव लागू छोड़े ठाकुर साहब। ये छोरी कौन है रे? मारी लुगाई है छोटे ठाकुर साहब। गेहूं के खेत में भी गुलाब लगने लग गए, संभाल के रखियो। चलो रे। जय माता जी की ठाकुर साहब। क्यों रे, झुक के नहीं कर सकता? बड़ी चर्बी आ गई साले तेरे को। भूलोगे ठाकुर साहब? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ठाकुर, क्यों गरीब पर जुल्म ढा रहे हो? एक तो ये साला काम नहीं करता, दूसरा इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या बात करते हो ठाकुर? इस गांव में आपके खिलाफ कोई कुछ कहने की हिम्मत रखता है? लगता है आपको गरीबों पर जुल्म ढाने में मजा आता है। शंकर, सामान को लगाम दो।
शंकर ने सैकड़ों मजदूरों के सामने मेरे हाथ का कोड़ा पकड़ लिया। मालिक के हाथ का कोड़ा पकड़ लेने का आप मतलब जानते हैं? मालिक का अधिकार छीन लेना, इसने मेरी बेइज्जती की है दादा। ये क्या सुन रहा हूं शंकर, क्या बात है? दाता गुरु, ठाकुर के कोड़े पर लगा हुआ मजदूर का खून देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम भली करे, मजदूरों से काम लेने के लिए तनिक शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है ना जीजाश्री। क्यों मामा जी, मजदूरों के काम में कौन सी कमी रह गई है? दादा गुरु, छोटे ठाकुर को मजदूरों को तड़पाने में बड़ा आनंद मिलता है। अपनी मर्यादा में रहो शंकर। खामोश हो जाओ बेटे। आपके खेतों में मजदूर अपने घर का काम समझकर करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? आइंदा ऐसा नहीं होगा शंकर, हम गुमान को समझा देंगे, तुम जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया जीजाश्री, इससे शंकर का बच्चा और सर पे चढ़ जाएगा। मामा श्री, दादा को इन बातों की क्या फिक्र, ये तो बस ये सियासत की बातें हैं बेटा, इन्हें समझो। जब तक शंकर हमारे हाथ में है तभी तक मजदूर हमारे हाथ में है। चल बॉल फेंक। नहीं नहीं ठहरो, थोड़ा आगे से, आगे से। मगर दीदी ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो चीटिंग सही, कम से कम बॉल को मारने का मौका तो मिलेगा। चल फेंक। देखकर नहीं खेल सकती तुलसी? अरे मौसी, मैं तो देखकर ही खेल रही थी, मगर इस बॉल की आंखें नहीं होती ना, कम से कम आप तो देखकर चला करो। अभी जाकर शंकर भाई से शिकायत करती हूँ। अरे जा, कौन डरता है। चल राजू बॉल फेंक, बढ़िया है बोलने वाली। चल ये क्या मामूली चोट लगी है यार, ये ले 30 रुपए पकड़ना है यार। अमासी ये ले, तू 20 रुपए ले, पास वाले गांव में जाके पट्टी करवा ले। इतनी गहरी चोट लगी है और सिर्फ 30 रुपए दे रहे हो शंकर भैया? हाय हाय हाय, इतनी गहरी चोट लगी है, दिन भर दिहाड़ी करने के बाद 30 रुपए मिलते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। कसूर तेरा है मौसी, तू चलती कहीं है, देखती कहीं है, इसमें बेचारी तुलसी का क्या कसूर है? हाँ हाँ, कसूर तो हम लोगों का ही है। शंकर तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, तुझे उसका कसूर दिखाई नहीं देता है। हाँ हाँ, मुझे तो बहन के प्यार ने अंधा कर दिया। अरे तुम लोग तो देखकर चला करो, कहीं उसके बाल तुम्हें काना ना बना दे। ये लो 100 रुपए ले लो, जाओ बांट लो आपस में, जाओ बाप। क्यों नहीं छुटकी, आधे गांव को काना बना दिया तुमने, किसी को लंगड़ा लूला कर दिया, तू शहर से क्या इनको बाल से पीटने के लिए आती है? वो क्या है ना भैया, ये लोग सब आते जाते बीच में। हाँ हाँ, आते जाते हैं बीच में, तेरा कसूर थोड़ी है, कसूर तेरे बल्ले का है, बाल का है, और फिर ये लोग भी सामने आ जाते हैं ना। अरे अरे, अरे मेरी बहन नाराज होगी, मैं तो गाँव वालों पे गुस्सा कर रहा था, मुझे मालूम है ये आ जाते हैं सामने, पागल है कदे है ये लोग। अब मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, आज यहाँ मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, जिगरी डाल के जा ठंडा जगह जा खा ले जा। थैंक यू भैया। ये गांव वाले खाम का परेशान करते हैं। ओ ससुर जी नमस्ते। पसर जी, मैं तुझे पूरा गांव में ढूंढ रहा, तू था कहाँ? मैं तो यहीं था। अच्छा ले ये मुंह मीठा कर। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्रेम मिलाया ना, ले खाओ ना। क्या चक्कर है? आज है ना बहुत महान दिन है, पंडित ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है क्या? मुहूर्त तो निकलते रहते हैं। अच्छा चल तू मेरे घर चल। क्यों? आज तुझे मालूम नहीं क्या दिन है? आज क्या दिन है, ये रक्षाबंधन का दिन है। चल मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी के हाथों से राखी बंधवा ले। चलो। प्रभु तेरी बहुत कृपा है मुझ पर, तेरा दिया सब कुछ है, बस इतना और कर दे मालिक कि मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह संभाल सकूं, उसे खुश रखना। प्रभु भोलेनाथ एक विनती और है, मेरी तुलसी के लिए कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसे हमेशा खुश रखे। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी बच्चे। प्रभु अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप? हाँ हम हैं,
बाल ब्रह्मचारी चटाधारी कन्या कुमारी, समझा बच्चा शंकर? आप तो चमत्कारी प्रभु, आप मेरा नाम भी जानते हैं। बच्चा नाम भी जानते हैं और तुम्हारा दुख दर्द भी जानते हैं। बहन की चिंता खाई जा रही है तुम्हें। आप महान हैं प्रभु, अंतर्यामी हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी बहन सदा सुखी रहे। असंभव 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 बच्चे। क्यों प्रभु? इसलिए कि तुम पर कन्या राशि का प्रकोप है। ये प्रकोप क्या होता है जी? प्रॉब्लम, समस्या समस्या। प्रभु आप तो इंग्लिश भाषा भी जानते हैं, इसका उपाय भी बता दीजिए। उपाय है बच्चा, कन्या राशि का तोड़ कन्या से ही होगा। कन्या राशि का तोड़ कन्या से होगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा प्रभु। शादी कर लो बच्चा, एक कन्या घर के अंदर आएगी और एक कन्या घर से बाहर जाएगी। एक कन्या आएगी। अलख निरंजन। एक कन्या आएगी एक कन्या जाएगी। महाराज आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अलख निरंजन, क्या देख रहे हो बच्चा? देख रहा हूँ महाराज कि ईश्वर की लीला कितनी न्यारी है। वाह भोलेनाथ वाह। जानते हो महाराज, रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और कहने लगे। क्या कहने लगे? कि सुबह सुबह मंदिर के सामने एक जटाधारी बाल ब्रह्मचारी महाराज मिलेंगे, बस उनके पांव पकड़ लेना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जय महाराज। अवश्य पूरी होगी बच्चा, अवश्य पूरी होगी, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक सीधी साधी भोली भाली मामूली किसान की बहन है। ये प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे अरे महाराज, अव्वल तो प्यार बड़ी मुश्किल से होता है, अगर होता है तो अमीरी गरीबी का चक्कर कहाँ दिखता है। क्या कह रहे हो महाराज आप? वाह बच्चा वाह, हम तेरी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जा, भगवान तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। थैंक यू महाराज। अलग निरंजन। अरे महाराज कहाँ चले, इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कहाँ चले, हमें भी तो मौका दो सेवा करने का, हम भी तो तुम्हारे। छूना नहीं छूना नहीं, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। यार मैं तो वैसे ही जल रहे महाराज। बाय द वे, आपने कभी प्यार किया महाराज? हम बाल ब्रह्मचारी। ओहो आप बाल ब्रह्मचारी, अच्छा मैं भी ब्रह्मचारी, लेकिन ये क्या है कन्या कुमारी है? क्या है ये, क्या है ये? वो भैया, वो भैया कहाँ? भैया का चक्कर। ओह भैया का चक्कर याद रहता है, लेकिन मेरा चक्कर कोई याद नहीं रहता। हाँ तुम डर की तुम देख रहे हैं कहाँ है भैया? अच्छा अच्छा। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। आइए मालिक आइए। बलवीरा जी, ये घर को घूम रहा है? मालिक अभी तो सिर्फ घर घूमता है, थोड़ी देर के बाद आपको दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। लगता है आज शिवरात्रि के दिन मंदिर में आपको ठंडाई की जगह भांग पिला दी गई है। भांग? अब क्या होगा? मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुलसी तो गाय को रो रही है, तुलसी तो रोएगी तो मुझको भी रोना है। यार तुलसी तुझे मेरे के साथ, तुलसी तो रोएगी नहीं, तुलसी तुझे मेरे के साथ। मर्दों के रोते हो। मैं कहाँ रो रहा हूँ? लेकिन तुलसी तो रोएगी तो मुझे भी रोना है। अबे तू क्यों रो रहा है? मालिक आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा ही ना। क्यों? भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है, आदमी रोता है तो रोता ही रहता है और हंसता है तो हंसता ही रहता है। मालिक आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। चलो वाह भोलेनाथ वाह,
तेरी भांग की बूटी की भी क्या ब्यूटी है, दिन को रात कर दे और रात को दिन, बम बम भोले।
मजा आ गया। अरे भारत तो चांद से बाकी सितारे सारे मोरे भाई। अब भाई इन बकरियों को कटवाना मत, इनका दूध बहुत अच्छा होता है, गांधी जी पिया करते थे। नमस्ते जी। राम राम भाई। मंगलू कैसे हो? अच्छा। सुबह कहाँ जा रहे हो बिटिया के साथ? बात ये मास्टर जी, शहर से एक डॉक्टर आया पड़ोस के गांव में। हाँ। उसे इसको दिखलाने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्या रोग है इसे, क्या बीमारी है? मासी जी क्या है, इसकी उम्र तो बढ़ रही है। हाँ। लेकिन कद नहीं बढ़ रहा है। इसका नाम क्या है? दुलारी। दुलारी जी, बाप की प्यारी। बात सुन जी, इसका कद बढ़ाने के लिए एक गुरु मंत्र दूं? जी जी नमस्ते जी, बड़ी मेहरबानी होगी। इसका नाम बदल ले। लेकिन क्यों? इसका नाम दुलारी से महंगाई रखते। महंगाई नाम रखेगा ना तो यूं बढ़ेगी, सातों आसमान को छुएगी। तुलसी, ये कपड़े तो यहीं भूले जा रहे हैं। लो, रख लो इन्हें भी। रहने दो भैया, मैं इसे पहनकर बोर हो गई। ये बहन भाई के प्यार में बस छूट जाएगी। शंकर भैया जल्दी करो, ये बस मेरी नहीं है, सरकार की है, छूट जाएगी। आ रहे हैं भाई, चल चलिए। आओ जाने वालों, सुनो बस की कहानी। आओ भैया आओ, इस बिजली के चक्कर में बस छूट जाएगी। मेरा नाम बिजली नहीं, तुलसी है। अरे नाम तो तुलसी है लेकिन बिजली होना चाहिए था भैया। आई बेटे, शहर में अपना ख्याल रखना। जी भुआ। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना। जी भुआ, खा लूंगा वक्त पे। और यहाँ की चिंता जरा भी न करना। बस भुआ, एक ही तो चिंता है जो मुझे दीमक की तरह खा रही है। वो कौन सी चिंता है? भाभी की चिंता। हाँ? बुआ, दाता को समझा कर उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। हाँ? आप तो जानते हैं विधवा का दर्द कैसा होता है। हाँ बेटे, हाँ। दाता को समझाइए, बहुत बड़ा पुण्य काम होगा। पाप और पुण्य क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। दाता क्या होगा अगर भाभी की दूसरी शादी हो जाए? विधवा होना पाप तो नहीं? हमारे खानदान की औरत को कोई और हाथ लगाए ये हमें बर्दाश्त नहीं। आप अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। बेटा, अपनी समझदारी को शहर तक ही रखो, अब तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ये तो भैंसों का तबेला है, यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली, मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो, देखना मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। है? मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। दाता गुरु की जय। दाता गुरु की जय। दाता गुरु की जय। करे एक शैतान और भगवान के घर में बसर। जाने दीजिए दादा गुरु, इसके मुंह मत लगिए, ये तो बावला है, बावला। हाँ। आजकल सच बोलने वालों को बावला ही कहा जाता है। ठाकुर साहब आए हैं तो कम से कम दूध ही पी लीजिए। क्यों? आज नाग पंचमी है तो जाके नागों को पिलाओ। आपसे बड़ा नाग कौन होगा? ठाकुर, तूने जितना दूध बहाया ना, उससे कई गुना इस धरती पे तेरा खून बहेगा। भगवान के द्वार पे खड़ा होके ये दिल जला कह रहा है कि तू पागल कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। मास्टर जी, मास्टर जी क्या हो गया आपको? दाता गुरु जैसे महान आदमी को आप इतना बुरा भला कह रहे हैं? शंकर, मैं शैतान को इंसान कैसे कहूँ? मास्टर जी क्या हो गया आपको? मुझे ये बता, दिन है कि रात? ये तो दिन है। अगर मैं दिन को रात कहूं और रात को दिन कहूं तो तू ही नहीं भगवान भी मुझे पागल समझकर ऐसे पाताल में गाड़ देगा जहां मैं ना जी सकूंगा और ना ही मर सकूंगा। आपकी भाषा मेरे पल्ले तो पड़ नहीं रही,
पर लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। चलता हूं। गलतफहमी मुझे नहीं तुझे हुई है, और जिस दिन तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, इस दुष्ट को तू कुत्ते की मौत मारेगा, तू मारेगा, हाँ तू मारेगा। क्या बात है भाभी, मंदिर जा रही हो? अबे ओ कालिए, बड़ी भाभी को उठा के फार्म हाउस पर ले आओ। दादाश्री को मालूम पड़ गया तो कुछ कहने लायक रहेगी तब ना। जा। शर्म नहीं आती तुम्हें? पर भाभी, जिसने की शर्म उसके तो फूटे करम। थूकती हूँ तुम्हारी नीच हरकतों पर। तुम्हारे भाई की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे जो मर गया उसको छोड़ो, जो है उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी इस जवानी के बारे में सोचो। ठाकुर, अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आपको? ए शंकर, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम जाओ यहां से। नहीं छोटे ठाकुर, बड़ी बहू पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से, तुम चलो। ठाकुर छोड़ दो बड़ी बहू को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। क्या हुआ तुम्हें, इतना गहरा जख्म? यह जख्म तो भर जाएगा दादा, लेकिन वो जख्म जो खानदान की इज्जत पर लग गया है कभी नहीं भरेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है दादा। अपने टुकड़ों पर पलने वाला वो शंकर बड़ी भाभी के साथ? क्या बकवास कर रहे हो तुम दादा? ये तो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, सब गलत हो जाता। ये सब गलत है दादा गुरु, छोटे ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। दादा गुरु सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई क्या है हम जान चुके हैं, शक तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे सामने तुमने बहू के लिए हमदर्दी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं आप, एक देवी समान औरत पर इल्जाम लगाते हुए आपको शोभा नहीं देता। नहीं नहीं दादा गुरु, ऐसा जुल्म मत कीजिए। जुल्म मत कीजिए दादा गुरु, जो सजा देनी है मुझे दे लीजिए। तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ले जाओ इस गुनहगार को और बंद कर दो काल कोठरी में, मरने दो इसे भूखा और प्यासा। ले जाओ इसे, ले जाओ। दादा गुरु मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये साक्षात देवी है, गुनहगार तो छोटे ठाकुर है।
बड़ी बहू साक्षात देवी है दादा गुरु, इसका शराब मत लो वरना ये महल ये चुमारे सब ढह जाएंगे दादा गुरु, कुछ नहीं बचेगा, इसे सजा मत दो। शंकर अलग मांझ जीते रहो बेटा जीते रहो। शंकर बेटे खाना खा ले, दो दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने, ये ले खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है, खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे, इसमें बुआ का क्या दोष है भला, राम भली करे बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी, और दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जा। बड़ी बहू को छोड़ दे ठाकुर, इस रिश्ते को समझ ठाकुर। छोड़ दे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। शंकर शंकर, तू ले जा इसे अपने साथ, बचा ले इसे, मेरा भाई आने से पहले तू इसे अपने साथ ले जा, आजाद कर दे इसे इस जुल्म के पिंजरे से, बड़ा पुण्य का काम होगा। नहीं बेटी, सोचने का कोई समय नहीं है, जाओ, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। जाओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम शंकर, तुम्हें ईश्वर की कसम, जाओ। बुढ़िया, बड़ी भाभी को भगा दिया, शर्म का मतलब जानता है तू?
जानता होता तो अपनी बड़ी भाभी के साथ मुंह काला करने की हिम्मत कभी ना करता। तो खोलता हूँ भाई। बेटी तू क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे रो क्यों रही है? बोल ये हालत क्या बना रखी है? और ये खून बोल बोलती क्यों नहीं? अरे बोल। मैं बताता हूं मेजर साहब। अरे इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरी बेटी पर और तूने मुझे खबर तक नहीं की? क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं? शंकर मां का दूध पिए तो बाहर निकल। मेजर की जिंदगी में जाए एहसान किए एक एहसान और कर दो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर इसे हमेशा के लिए पालो। मेजर साहब मेरे पास वक्त नहीं है। मेजर साहब वक्त नहीं है मेरे पास। शंकर नहीं मेजर साहब। मेजर को हुक्म शंकर 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 ने बहू की मांग में सिंदूर भर दिया। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोली मार दूंगा उस नमक हराम शंकर को। अरे रे 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 मेरी प्यारी बच्ची। बापू सुबह से शाम तक काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं आज तेरी छुट्टी। ये ले 5 पैसे ले और जाके सिनेमा देख कर आ। 5 पैसे में सिनेमा नहीं होता। अच्छा ले 10 पैसा बहुत हो गया। सुबह से शाम तक सिनेमा देखते रह जा। बापू 10 पैसे में सिनेमा देखा जाता है क्या? 10 पैसे में भी नहीं होता। अभी मैं क्या करूँ ये तो नोट ये तो महीने भर का खर्चा है। ले सिनेमा देखना बाकी का लेकर आना। संभाल क्या पर अपने गाँव में सिनेमा है ही नहीं। ये तो पहले बोलेगा तुमने यार मेरी मोहब्बत का पिंजरा हवा में लटक जाएगा यार। अरे बापू क्या सोच रहे हो? एक काम करना मेला देख कर ना सुबह से शाम तक जा। मेला? पर वो तो कल ही खत्म हो गया। तो पैसा भी खत्म हो गया। तू फिर एक काम करना तू अपनी सारी सहेली को लेकर गांव में खेतों में जा खूब गन्ने खा सुबह जा शाम को आ जल्दी नहीं आना जा। अच्छा अब पैसा करना खाएगी चुरा के उसके लिए पैसा कहां से चले जा इधर कहां जा रही उधर जाना इधर जा उधर जा इधर नहीं जा 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 जाओ जल्दी जाओ। तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता हूँ। मैं छुपी हूँ यहाँ तू तड़पता वहाँ।
तेरा मेरा मिलन है जन्मों का मिलन, तो दूर 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 पास 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 आ जा बापू। ये क्या कर रहा है? तेरी बेटी आ गई एक कबाब में हड्डी, ये तो मेरी इज्जत लूट रहा था। सारी मोहब्बत का मजा किरकिरा कर दिया। बापू अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, समझा ना। क्या कर रहे हो बापू? मैं आ गई। क्यों आ गई? ठहर जा, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे बापू वहाँ खेतों में तो कोई है। अच्छा तो शंजान घाट में घूम के आ सकती थी। क्या हुआ? खटमल काट रहे। अरे कुछ खाने तो दो। अरे किसी सहेली के घर में खाना खा गए, घर में खाना नहीं जा। बस थोड़ा सा। अच्छा निकल जाए। सर, हमारे यहां तो यमदूत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तुम्हारे आने की जरूरत कैसे हुई? शंकर पर गोली चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। हमें गिरफ्तार करने से पहले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस शंकर को गिरफ्तार करो जिसे तुम अभी अभी अपना खून देकर आए हो। मुजरिम वो है, उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर गोली चला दें। अगर उसने गलती की है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। कानून? कानून तो यहां ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। और कुछ कहना बाकी है ठाकुर? अब चुपचाप हमारे साथ थाने चले चलो, इसी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो तू अपने बारे में सोच अफसर, सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर देख, चारों तरफ तेरे मौत मंडरा रही है। ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं ठाकुर। मुझ पर चलाई हुई तुम्हारी एक गोली तुम्हारे पाप की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। इस हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ठाकुर, जरा से भी बेवकूफी तुम्हारे हक में नहीं होगी। चलो एक बार फिर से सोच ले अफसर, हमें ले जाने के लिए तुम्हें खून के दरिया पार करने पड़ेंगे। इस वर्दी पर लगे हुए सितारे देख रहे हो ना ठाकुर, ये ऐसे ही न जाने कितने ही खून के दरिया पार करने के बाद ही लगे। चलो शेर के शिकार की तमन्ना अमूमन हर शिकारी करता है, मगर हर शिकारी की यह तमन्ना पूरी नहीं होती। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप की सल्तनत में, बदतमीजी करोगे तो बाप के साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। ये सपना तुम पहले भी देख चुके हो असबी, अदालत ने मुझे बाइज्जत परी किया था। वक्त का इंतजार करो परखुरदार, अदालत तक पहुंचने के लायक भी नहीं छूंगा। फिलहाल तो तुम मेरे पूजनीय पिता दाता श्री को छोड़ दो, मैजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत करवा कर लाया हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। पिताजी चलिए। शिकस्त हमने कभी देखी नहीं, जीते जी हमको भी मरे नहीं। आज तक बड़े से बड़े पुलिस अफसर ने हमारे पांव की धूल अपने माथे पर लगाकर अपनी नौकरी शुरू की, और आज एक मामूली से पुलिस अफसर ने सरेआम जलील करके हमें जीते जी मार डाला।
कैसी बात कर रहे हैं दादा? इलाके का हर आदमी तो जानता ही था कि हमारा प्रताप क्या है। आज कानून भी जान गया कि हमारे पास कितनी पावर है। दादा, आपको हथकड़ी लगी? नहीं। आप हवालात गए? नहीं, बल्कि थाने का हर अफसर बार बार आपको सलाम कर रहा था। मैं खुद बाइज्जत आपको घर लेकर आया। मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। जलालत का जो कांटा मेरे दिल में गड़ गया है, उसकी चुभन मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, जिंदगी भर तड़पाती रहेगी। साहब, अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, वरना ये ठाकुर के आदमी भाभी जी को उठा ले आते। पुलिस आ गई थी, इसलिए तुम लोगों को भागना पड़ा। खानदान से वफादारी की तमाम बंदिशें तोड़कर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसे पार करने की कोशिश मत करना छोटे ठाकुर। रेखा तो मैं खींचूंगा तेरी मौत की, अभी और इसी वक्त। इसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांट दो। राक्षस को छोड़ दूं? ये ठाकुर
खानदान का बेटा है। ठाकुर खानदान कैसी की तहजीब? तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो इसे। जी जाश्री, इसमें शंकर का तो दोष ही नहीं है, वो तो हमारा दुश्मन है, सो दुश्मनी निभा रहा है। राम भली करे, सोचने की बात तो ये है कि सारा गांव हमारे ही टुकड़ों पर पलता है, लेकिन जब मेरा भांजा पिट रहा था तो कोई सामने मदद के लिए नहीं आया। इस सब के लिए गुनाहगार ये हरामखोर गांव वाले ही हैं। गांव वालों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, आज से ही वो मरने शुरू हो जाएंगे। नहीं जीजाश्री, उन्हें आप थोड़े ही मारेंगे, उन्हें तो मारेगी उनकी भूख, उन्हें मारेगी उनकी प्यास। आप तो बस पूरे गांव का पानी बंद करवा दीजिए, फिर देखिए जब एक एक करके ये सब साले भूखे मरने लगेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा कि चाहे जन्म देने वाला वो दाता है, पर पालने वाला तो यही दाता है ना। ठीक है, लगा दो ताले और ऐलान कर दो, ये ताले तभी खुलेंगे जब गांव वाले अपने हाथों से शंकर की चिता को आग लगाएंगे। अरे मैं पूछता हूं, तुम लोगों की अकल को भांग खा गई क्या? अरे मूर्खो, तुम उस शंकरवा के लिए अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखिए मामाश्री, हम शंकर भैया के खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। मत सुनो, मरो और मरो। मैं पूछता हूं कि धरती पर पानी के बिना कभी काम चला है? राम भली करे, फसलें सूख जाएगी। अरे बर्बाद हो जाओगे बर्बाद। अरे मंगलू, तेरे घर में तो जवान बिटिया है ना, अगर फसल ना हुई तो उसके हाथ पीले कैसे करेगा रे बेटे? अरे कलवा, जो फसल ना हुई तो कर्जा कहां से चुका पाएगा रे? अरे अब भी वक्त है मूर्खो, कुछ अकल से काम लो। हाँ जाओ, जाकर दाता गुरु से माफी मांग लो, उसके पांव पकड़ लो और उस शंकर के बच्चे को, उस शंकर के बच्चे को गांव से धक्का दे के बाहर निकाल दो, और वो भी मुंह काला करके। मर गए मेरे शंकर का मुंह काला करने वाले। अरे ओ मामा श्री, मुंह तो तेरा काला होगा अभी और इसी वक्त, वो देख अपनी सूरत। हम बलि करे, देखो गुरुजी, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो, वरना वरना क्या? ए दुष्ट, मेरे साथ तो जो करना था वो तो तुम लोग कर ही चुके हो, लेकिन अब मैं, अरे मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। अबे लगने भी कौन देगा? ठीक है मैं कहता हूँ, एक दिन याद रखना, यही गांव वाले उस शंकर के बच्चे को और तुमको इस गांव से धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। राम भली करे, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मामा श्री, ये गांव वाले आज अभी तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बिठा के धक्के मार के निकाल देंगे। क्यों गांव वालों? गीत प्यार का गाएंगे, तीतर की बात सुनाएंगे। गीत प्यार का गाएंगे, तीतर की बात सुनाएंगे। छपरे
सारे बंद कमरे में। अब तीतर को छुड़वा दूंगी, तेरा तीतर मार भगा दूंगी। मर तीतर को ले आऊंगा, तुझे पकड़ के मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा तीतर बोले बस्ती में, तू हो गया पागल मस्ती मेरा। गीत प्यार के गाएंगे, तीतर की बात सुनाएंगे। अरे आजा मेरी तीतरी, मेरे कन्ने आजा, तन्ने मीठी मीठी बातें सुना दूं। तीतरिया पैड़ा मतलब अपनी बातों से मैं नहीं आने वाली। बोले बागों में तू बस गई मेरे ख्वाबा में। हाय गीत प्यार का गाएंगे, दोनों मौज उड़ाएंगे। दोनों मौज उड़ाएंगे, गीत प्यार का गाएंगे, तीतर की बात सुनाएंगे। सारी मुसीबत हम गरीबों पे ही क्यों आती है? मामा जी की बात 16 आने सही है रामू। एक शंकर के लिए हम सारे गांव को संकट में नहीं डाल सकते। और शंकर भैया को ये बात बताएगा कौन? मैं कहूँगा। अरे वो देखो, शंकर भैया आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते शंकर भैया। नमस्ते शंकर भैया। अच्छा कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या बात? आप ठीक ठाक तो हैं? बस प्रणाम करना था शंकर भैया। अच्छा 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 चलता। अरे क्या हुआ, हिम्मत नहीं बोलने की? हो तो उसमें क्या। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। भाभी वो हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो जी। वो हम सब शंकर भैया की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। दाता गुरु गांव वालों को पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं, यही शर्त है ना? हाँ भाभी, लेकिन शंकर भैया को ये बात आप बोल दें तो। लक्ष्मी क्या कह रही हो तुम? मैं ये गांव छोड़ दूं? ये गांव तो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरी नस नस में बसी है। ये गांव छोड़ दूं मैं? आपका ये बलिदान इस गांव की सुख शांति को वापस लौटा देगा। सुख शांति लौट आएगी मेरे चले जाने से? नहीं लक्ष्मी नहीं, बल्कि दाता गुरु की दरिंदगी और छोटे ठाकुर की दहशत जो आज तक मेरे दम से दबी हुई थी और भड़क उठेगी। उनका जुल्म से तुम इस गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप दूसरों की तकलीफ की वजह क्यों बन रही हैं? दूसरों की तकलीफ का बायस मैं? कौन कह रहा है ये? किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दाता गुरु ने शर्त रखी है, अगर हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाए तो गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा। हे प्रभु, अगर हमारी फसलों को दो चार दिन पानी और नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, हम तबाह हो जाएंगे प्रभु। हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे प्रभु? मर मर के जियोगे तुम, मर मर के। भगुन याद कर, भगुन तूने एक बार तांडव किया था तो सारी सृष्टि थर्रा उठी थी, पापी कांप गए थे, और आज दाता गुरु जैसे पापी तांडव कर रहे हैं और तेरे भक्त कांप रहे हैं।
अब भी समय है भगवान, अपनी जटाओं से गंगा और निकाल और हरे भरे खेत कर दे इन किसानों के, नहीं तो इनका विश्वास उठ जाएगा तुमसे भगवान, उठ जाएगा विश्वास। मास्टर जी, अगर शंकर इस गांव को छोड़कर चला जाए तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं। मेरे चले जाने से अगर वो ठाकुर तुम लोगों को पानी देने के लिए तैयार है तो मैं चला जाता हूं। मेरे चले जाने में अगर तुम लोगों की भलाई है तो मैं चला जाता हूं। भलाई नहीं, बुराई है बुराई। अगर तू चला गया ना तो दुष्ट दाता गुरु भूखे गीदों की तरह इन गांव वालों को नोच डालेगा इन गांव वालों को। अरे बावलो, मैं कहता हूं क्रांति की चिंगारी जो शंकर ने इस गांव में जलाई है उसे शोला बनने दो, और वही शोला दुष्ट दाता गुरु की सल्तनत को जला के राख कर देगा। शंकर। मास्टर जी, मैं इन गांव वालों को दुखी नहीं देख सकता। अगले अगर तू चला गया ना तो इस गांव में रह क्या जाएगा। देख सुन, जैसे ये मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति के बगैर सुनसान हो जाएगा ना, वैसे ही तेरे जाने के बाद ये गांव खाली हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। देख मेरे भाई, ये जिंदगी एक मैदान जंग है जिसे हम मिलके लड़ेंगे। दादा, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि पुलिस आकर आपको गिरफ्तार करके ले गई, हुआ क्या है बताइए ना। दादा, मामा श्री, आपको सब कुछ पता है, बताइए ना क्या बात है, क्यों आई थी पुलिस, बताइए ना मामा श्री। क्या बताएं छोटे भैया, आपको सब कुछ पता, बड़े भैया बताइए ना। पुरखों की बनाई हुई इज्जत को उस शंकर ने मिट्टी में मिला दिया। क्या क्या किया शंकर ने? देवी समान बड़ी भाभी को घर से भगा कर ले गया। मगर भैया, शंकर तो अच्छा आदमी है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? दाता को सांप पालने का बड़ा शौक है, जिस सांप को परसों दूध पिलाया उसी ने खानदान की इज्जत को डसा। हमारे खानदान की बहू की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, उसे घर का एक मामूली नौकर भगा कर ले गया। अगर शंकर ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे गोली तो मारी थी जीजा श्री ने, पर उसके बदले में पुलिस ने आकर उन्हें दाम फली करे, मुंह से बोलना तो दूर, सोचना भी पाप है। बस करो, खामोश हो जाओ। वाह भाभी वाह, अच्छा सिला दिया हमारी अच्छाइयों का, एक मामूली नौकर के साथ भागाई जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, उनके बारे में कुछ ना कहो तो अच्छा है। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे दो वक्त की रोटी खाकर तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है। शंकर तो बरसों तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। ये क्या कह रहे हो मेरे भैया के बारे में? गिर गया तुम्हारा भाई मेरी नजरों से, कितना अच्छा इंसान समझता था, कितनी इज्जत करता था उसकी। छी, ठाकुर खानदान की बहू को अगवा करके ले गया। सिवाय दुख के क्या दिया है तुम्हारे ठाकुर खानदान ने? मैं पूछती हूँ उस वक्त कहाँ थे जब भाभी पर अत्याचार कर रहा था तुम्हारा ठाकुर खानदान, बताओ मुझे। तुम्हारी गलती नहीं, जैसा भाई वैसी बहन। करण को तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मेरे भैया के बारे में कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चल उनसे, ये करण किस लिए आया था? भैया, वो भाभी को बुरा भला कहकर चला गया।
भाई से तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। नीचे नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूँ? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा? अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुड्ढा खुसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तू मेरे को 55,000 रुपया देगा। 55,000? वो बाप है, कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप 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 काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे हजार वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला? मेरा वाला, शराब वाला। क्या मुसीबत है? तो काम करना, 55,000 रुपया दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की? रिश्ता नक्की। एक पपीते मर जाएगा? मैं भी लगा दूं, तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवा को बनाया, 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। कोई है इस घर में? कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुड्ढे को, अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुड्ढे, जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ए तो सारा पहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन क्या तेरे पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू बहुत मारूंगा उसको, मैं नहीं छोड़ने वाला उसको। अरे बनारसी क्या हो गया, तुझे पागल हो गया है? अरे ये बुड्ढा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर चप्पल की दाल खाएगा। नहीं इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। एनीवे ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन 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 तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया, 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था? नहीं नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त, अब मुझे मंजूर है। करण सुनो छोटे ठाकुर, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं लेकिन अपने दिल से यह गलत फहमी निकाल दो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, किसी के खानदान की बहू को भगा ले जाना बहुत अच्छा काम है, जबरदस्ती शादी कर लेना बहुत अच्छा काम है ना? देखो कोई इल्जाम लगाने से पहले बेहतर है तुम घर जाकर अपनी बुआ से पूछ लो, वो तेरी सब गलत फहमियां दूर कर देगी, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ करण। मामा। भांजे। मामा बुआ कहाँ है? बुआ राम भली करे तीर्थ यात्रा करने हरिद्वार गई है बेटा। तीर्थ यात्रा? हाँ हाँ हरिद्वार गई है। छोटे ठाकुर एक बात बोलूं, बुआ जी नीचे तहखाने में कह दें आप मेरा नाम मत लेना। तहखाने में? हाँ।
बुआ, आपको तहखाने में बंद कर दिया? शर्म नहीं आई उन लोगों को? शर्म उन्होंने बेच खाई है। शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बहू पर इतने जुर्म करता? शर्म होती तो तेरा भाई अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालता? क्या कह रही हो बुआ? बेटे बेटे, मेरी आंखों के सामने गुमान अपनी भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया उन्होंने, बहू को बहुत दुख दिया, इसलिए मैंने उसे कैसे छुड़ा दिया, मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। दादा, आपने मां समान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है, न्याय किया है बुआ ने, इंसानियत के साथ न्याय किया है, मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी उसे आजाद करवाकर। करण, हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया, दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस, अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली की आप दे ही क्या सकते हैं? अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते है उसके पास जो बेवक चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी झूठी शान से बना हुआ ये आलिशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दाता गुमान, समझाओ इस बेवकूफ को, शहर की चार किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में, एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे, उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। चल बुआ, चल, तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलिशान महल तो है नहीं, लेकिन इंसानियत की रोशनी जरूर है। बेटा, ये लोग कोई बात नहीं, इस खून को बहने दो, ये खून उन जुल्मों का हिसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासूम गांव वालों के साथ किया है। तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किए हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता, समझा? मारो इसे। अरे रुक जाओ, अरे खून। हाँ भैया, महलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में छुपा रखा था, बुआ ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटा दिया। शंकर भैया, मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मैं इस गांव में इस गांव का बेटा बनकर जीना चाहता हूं। रावण के घर में राम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। तुलसी, मैंने दाता श्री का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? उनके झूठे अहंकार के दायरे में रहकर मेरा दम घुटता था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, मुझे कुत्ते ने काट दिया था, मैं पागल हो गया था। क्यों किया मैंने ऐसा? सारी जिंदगी एक एक पैसा जमा करके हजारों रुपया बनाया, बोलू की पट्टी एक फटके में सारा पैसा ले गई, और गई तो गई, गई किधर पता भी नहीं चल रहा उसका। क्या बात है ससुर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये खुश है? तू कब आया बे? आपके आने से 10 मिनट पहले। 10 मिनट? तूने कुछ सुना तो नहीं? मेरी आंखें बंद थी। आंखें बंद? ए भाई, मेरा दिमाग बहुत खोखला, तू मुझे तंग मत कर, जा जा चल। कह दो ससुर जी, कह दो, कहने से बोझा हल्का होता है। हल्का हो जाता है? हाँ।
मेरे दिल पे बहुत बोझ है, तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलूंगा आपकी कसम। मेरे से भी नहीं लेगा ना? बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं है ना एक चक्कर में फंस गया था। सारी जिंदगी मैंने एक एक पैसा जमा करके 100 बनाया, 100 से 1000 बनाया, 1000 से 55000 बनाया। एक लड़की एक ही फटके मेरे सारे पैसे लेके चली गई। लड़की? आप लड़की के चक्कर में थे? राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी। मेरे पैसे तूने वादा किया था? आपने मुझसे नहीं लिए थे? मैंने कब लिए थे? आपने मुझसे लिए थे अपनी बेटी देने के लिए, और ये मैंने पैसे लिए हैं चुप रहने के लिए। टिंग टिंग। शंकर भैया चिंता की कोई बात नहीं, हम अपना ट्यूबवेल खुदवा लेंगे। मैं आज ही शहर जाकर ट्यूबवेल वालों को लेकर आता हूँ। अच्छा तो ट्यूबवेल बनवाओगे? देख लूंगा बच्चों तुम लोगों को। राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख मैं तेरे लड्डू लेकर आया। मुझे राधा ने अभी बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल। नहीं नहीं मुझे माफ। ये मेरी साड़ी। इतने सासुर जी। नहीं नहीं मैं इसे और छोड़ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो। ससुर जी मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है मुठी कर, मुझे देखने तो दे। मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है, देखूं तुझे कैसा है? हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा? आप पूरे पैसे लाके दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। हाँ? मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जमीन यही रही, यहीं से पानी निकालना चाहिए। लेकिन हुजूर ये जमीन तो दाता गुरु की है। ये जमीन दाता श्री की नहीं है, ये जमीन गांव वालों की है, हमारी है। कुआ खुदेगा तो यही खुदेगा बस। शाबाश शाबाश शंकर, राम का नाम लेकर हो जाए शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो। साथियों मैं कहता था ना कि जिंदगी एक सहेली है, कभी दुश्मन कभी पहेली है। शंकर करण मेरे भाई, आइए गांव, आइए गांव, गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया है, आजाद हो गया है। हाँ आजाद। सुनो करण, तुम बीच में मत आओ, दाता गुरु को आज मैं समझाता हूं। जंग के मैदान में लड़ने वाला हर सिपाही बराबर होता है। हरशंकर भैया ये सिपाही आपका कमजोर नहीं। किसकी इजाजत से ये ट्यूबवेल हमारी जमीन पर खुदवा रहे हो? ये जमीन तो सबकी माँ है दादा, और फिर अपनी जमीन पर ट्यूबवेल खुदवाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती। तुम्हारी जमीन, जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए हैं और तुम्हारे सारे हक छीन लिए गए हैं। आपके छीनने से कुछ नहीं होता दाताश्री, ये जमीन आपके पिताश्री की है और आपके पिताश्री का मैं पोता हूं। दादा की जायदाद पर पोते का भी हक होता है। आप तो क्या, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमसे हमारी जमीन छीन ले। इसके अलावा और आप कर भी कह सकते हैं, हम तुम्हें गोली मार देंगे। ट्यूबवेल फिर भी खुदेगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, खून की नदियां बहा देंगे हम,
खून के सैलाब में आप भी बह जाएंगे दाता गुरु। आपकी सियासतियों ने गांव वालों को बगावत पर आमादा कर दिया है। अरे तो क्या इन लाठियों से दाता गुरु की बंदूकों का मुकाबला करोगे तुम लोग? अरे ओ मूर्ख, लाठी के सहारे तो गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और आज हम आजादी का ये झंडा इस गांव में लहरा रहे हैं। जय जननी जय भारत माँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ढूंढा लो इन सबको। रुक जाओ, मुझे मालूम था कि तुम ऐसी ही हरकत करोगे, इसलिए पूरे बंदोबस्त के साथ आया हूं। और सुनो, पिछली बार तो तुम जमानत पर छूट गए थे, मगर आज कोई ऐसी गलत हरकत मत करना, वरना अदालत तक जाने के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? वक्त के साथ चलने में ही भलाई है ठाकुर साहब। देख लूंगा तुम सबको। अरे अब क्या देखोगे साथियों, बोलो भारत माँ की जय। गले लगा ले यार, आयो फागणियो, आई फागण की बहार, आयो फागणियो। और तन करूंगा ले आज, मन करूंगा ले आज, फागण रात दिन चार, आयो फागणियो। मन ने गले लगा ले यार, मन ने गले लगा ले यार, आयो फागणियो, आई फागण की बहार, आयो फागणियो। मन ने गले लगा ले यार, आयो फागणियो फागणियो। रंग भरा त्योहार, आयो फागणियो। मन ने गले लगा ले यार, आयो फागणियो, आई फागण की बहार, आयो फागणियो।
की डाली तेरी अखिया का जलवाली तेरी चाल बड़ी मतवाली मैं दिल वाला तू दिल वाली गोरी हो तेरी बातें बड़ी निराली मीठी मीठी मिश्री वाली होगी कितनी किस्मत वाली जो होगी तेरी घर वाली छोरी हो कब डोली लाओ सरकार आयो पागलियो मुझे गले लगा ले यार आयो पागलियो खुशियों की बौछार आयो आ गयो मुझे गले लगा ले यार आयो आ गयो तन को रंगा ले आज मन को रंगा ले आज पागड़िया की चार आयो आ गयो मन में गले लगा ले यार आयो आ गयो आई पागड़ की बहार आयो आ गयो बस ठाकुर साहब बस तो क्यों गए मेरा हुक्म है मारो मारो ए, क्या कर रहे हो तुम हटो मारने दो नफरत हो गई है हमें अपनी जिंदगी से हमारा अपना ही खून गांव वालों के साथ मिलकर हमसे बगावत कर रहा है दादा यह सब उस शंकर की वजह से हुआ है पहले उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा कर लिया फिर उसी शंकर की बहन की वजह से हमारा अपना खून गांव वालों के साथ मिल गया है और हमसे बगावत कर रहा है लेकिन दादा वो ये नहीं जानता कि हम लोगों के क्रोध की आंधी शंकर के खानदान को तिनकों की तरह उखेड़ देगी Oh, yeah.
शंकर ने हमारे खानदान की इज्जत को तबाह किया है। ये शंकर की इज्जत है, आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये शंकर की इज्जत नहीं बल्कि मेरी भी इज्जत है, और मैं अपनी इज्जत को अपनी आंखों के सामने छोड़ दो। भैया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं कहता हूं रुक जाओ, छोड़ दो। भैया मैं कहता मुझ पर हाथ मत उठाओ, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो बंद। मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा भैया, अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा। छोड़ो उसे, बड़े भाई पर मुझ पर हाथ सामने उसकी इज्जत लूट लूंगा। भैया के बैलेट पेपर में मुहर मैं लगाऊंगा। कौन? तुझे तेरे किए एक एक गुनाह की सजा मिलेगी। हाँ व्हाट कमिंग है, मर गया ये, मर गया राक्षस का बेटा, मर गया गुमान। अरे खून, तूने मेरे जिस्म पे कुल्हाड़ी मार के ना मेरी आत्मा के सारे जख्म भर दिए। शंकर, अरे शंकर, शंकर, भगवान, 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 तुझसे सुंदर धरती पे तू दादा गुरु और गुमान जैसे शैतान क्यों भेजता है? मैंने, हाँ हाँ मैंने गुमान सिंह को मार दिया, अब कोई गिला नहीं, कोई चिंता नहीं, जो होता होने दो भगवान। सुना तूने भगवान? मास्टर जी ये खून नहीं पगले, ये गांव की आजादी का रंग है। गले लगा ले यार,
गले लगा ले यार, आज फागुन आए हो रे, फागुन आए हो रे। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे पास समय नहीं। शंकर, मास्टर जी, मास्टर जी, मेरे पास समय नहीं। मेरी बात सुन रे, मेरी बात सुन। कहिए। ये गुमान सिंह ने ना मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी थी, इज्जत लूट दी थी उसकी। मैंने आज उसे फांसी से मार दिया। सुन, एक वादा कर, तू दादा गुरु को कुत्ते की मौत मारेगा। हाँ मास्टर जी, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सुन शंकर, मेरे भाई, मेरी बहन मेरा पूछे ना तो कहना तेरा भाई दूर देश गया है तेरे लिए एक राजकुमार लाने। नीले घोड़े पे दूल्हा आएगा मास्टर जी, फिर शहनाइयां बजेंगी, फिर उसके हाथों में मेहंदी रचेगी, फिर वो डोली में बैठेगी जिसे एक कंधा तू देगा। मास्टर जी, डोली को दूसरा कंधा आप देंगे? हाँ चलिए। अगले तब तक तो तू मुझे कंधा दे चुका होगा। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। अगले मैं आया था जाने के लिए, मैं जाता हूँ आने के लिए, मैं आता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा और यही कहता रहूंगा कि जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है। शंकर, शंकर, वो देख, देख मेरी जिंदगी आज रंग बिरंगे कपड़ों में आ रही है। मैं उसके साथ जाऊंगा मास्टर जी, मैं जाऊंगा उसके साथ। शंकर, शंकर, गाँव में ऐसा मत बोलो, सबको मेरी सबको अरे मार डाला मेरे बच्चे को उन जालिमों ने। अरे तूने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखा जीजा गुरु मेरे बच्चे। अरे मुझे सुन मेरी बात सुन, मत कर इतना जुल्म इन गरीबों पर, रोक दे ये खून खराबा। भगवान से डर, ऐसा ना हो कि कोई वंश चलाने वाला ना रहे। हट मेरे रास्ते से। मैं तो तेरी लात बर्दाश्त कर लूंगी मूर्ख, लेकिन भगवान की लात से डर, उसकी लात जब पड़ेगी ना तो तेरे सात जन्म खराब हो जाएंगे। ना शुक्र गुजार औरत, तूने बहू को घर से भगाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे दीदा जी, मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कंबख्त हमें कहीं नहीं मिला। लगता है आपकी दहशत के मारे वो और उसका खानदान गांव छोड़कर भाग गए। हम जमीन से आसमान तक उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कलंकड़ी जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। करण, गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? लगता है दाता श्री का कहर इस गांव पर टूट पड़ा है। भागो तुलसी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। शंकर भैया की जान खतरे में, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मगर बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं जाने। समझने की कोशिश करो तुलसी, मेरा जाना बहुत जरूरी है, रुको यहाँ। Thank you.
अरे चल उल्टा कर। अरे रीच कहीं की जाएगी का? अरे खेलो इसे, जाने ना पाएंगे, पूरे खानदान को ये खा गई है। अरे गांव वालों, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दो मिनट में अपने घरों से बाहर आ जाओ, वरना अंजाम जान लो। हाँ ऐसे तो पति के मरने के बाद औरत को विधवा का जोड़ा पहनाया जाता है। आज मैं तुझे पहले विधवा का जोड़ा पहनाऊंगा और फिर तेरी आंखों के सामने तेरे पति शंकर को मारूंगा। ये लीजिए जीजाश्री, पहना दीजिए इसे विधवा का जोड़ा। बेसाला इसका सुहाग जिंदा है ठाकुर, किस माई के लाल में हिम्मत है जो इसका सुहाग उजाड़ सके। दम है तो चिल्ला खुली चला। बाहर शंकर दाता गुरु के फौज से अकेले लड़ रहा है। नहीं भाभी नहीं, हमें दाता श्री की गोली से नहीं मर रहे हैं। सुनो, अगर इस वक्त भी तुम लोग डर के घर में छुप गए ना तो ठाकुर का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। तुम तो शंकर के खास मिलने वाले हो। शंकर दाता गुरु के फौज से अकेले लड़ रहा है, तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो। भाभी जी मैं जरूर चलता, मगर दाता श्री की फौज के सामने हम क्या कर सकते हैं। माफ करना भाभी जी, माफ करना। दयाल 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 सुनो, दयाल दयाल, अरे बुजदिलो, इस तरह डर कर घर में छुप जाओगे तो दादा गुरु के गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। बगावत की चिंगारी उठी है तो उसे शाला बन जाने दो। मैं कहती हूं बाहर आओ, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल बेटी मेरे साथ, ये बुजदिल गांव वाले तेरे साथ क्या चलेंगे, चलो मेरे साथ। चल बेटी ठहरो, हम भी आते हैं। एक और नाम मरने वालों की लिस्ट में है। क्या चाहिए? ये बंदूक मेरे को दे दे। कौन है? अरे यार तू फिर मार खा के आ गया, मार खाने वालों की लिस्ट में तेरा भी नाम लिखना पड़ेगा। चल जाके मार। नहीं जाऊंगा। Thank you.
श्री अभी भी वक्त है, उतार दीजिए अपने दिमाग से ये बर्बादी का जुनून। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। इससे पहले कि हमारे क्रोध का कहर तुझ पर टूट पड़े, हमारी नजरों से दूर हो जा। वक्त की नजाकत को समझो दाताश्री, आपके खिलाफ बगावत की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है, पर इन शोलों के लपटों से आप नहीं बच सकते। अब भी वक्त है, छोड़ दो अपने घमंड को, एक बार इन गांव वालों से माफी मांग कर तो देखो, ये गांव वाले आपका हमेशा के लिए माफ कर देंगे। एक बार माफी मांग देखो। दाता गुरु सिर्फ माफ करता है, माफी मांगता नहीं। रुक जाइए दादाश्री, मेरी बात सुनिए दादाश्री, रुक जाइए, रुक जाइए दादाश्री। तुलसी बिटिया, कहाँ जा रहे हो मामा? यूं ही बल्ला बल्ला खेल रही हो क्या? हाँ बल्ला बल्ला खेल रही हूँ। जीती रहो खेलती रहो, मुझे जाने दो। आपको जाने दो मामा? हाँ बिटिया। ये ले। राम बलि करे। तुलसी बिटिया मामा, तुमने इधर की बात उधर करके सारे गांव को बर्बाद किया। जलती हुई आग में तेल छिटकने का काम किया है तुमने। तू जाना चाहता है ना? हाँ। देख, तुझे तेरे ससुराल वाले लेने आए हैं। बलि करे, राम बलि करे, क्या रे मामा? मामा, करण भाई रे, अच्छा हो गया तू आ गया रे। देख, देख तुलसी पागल हो गई रे, ये गांव वाले पागल हो गए हैं, ये पागल हो गए रे, ये तेरे मामा को मार देंगे, तेरे मामा को मार देंगे रे। मामा, अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाते। क्या कह रहे? कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आई मजाक करने की तेरी बचपन की आदत नहीं है रे करना, अपने मामा पे हाथ उठाते रे। मामा, हमारे खानदान की बर्बादी का कारण तू है। बाजे, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि राम बलि करे मैं गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा रे। तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत शौक है बांजे, बहुत। अभी तुम्हें भेज देता हूँ। Yeah.
मरने वालों की लिस्ट में मैं नहीं लिखता। क्यों? ऐसे पापी का नाम लिखने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो इसको देखने की क्या जरूरत है? आंखें खराब हो जाएगी। आंखें बंद कर लेते। बाबा बाबा, मैंने कहा था ना खून की होली मत खेलना, यही अंत होता है, यही अंत होता है बाबा।